ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। नवविवाहित युवती की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर पुलिस के कार्यप्रणाली शक के घेरे में होने पर युवती के मायके वालों ने डीएसपी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने मामले की जांच महिला आयोग या सीबीआई से करवाने की मांग की है। नवविवाहित युवती की रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई मौत को लेकर पुलिस की कार्यप्रणाली शक के घेरे में होने पर युवती के मायके वालों ने डीएसपी हमीरपुर को ज्ञापन सौंपा। परिजनों ने मामले की जांच महिला आयोग या सीबीआई से करवाने की मांग की है। जानकारी के अनुसार 5 दिन पहले हमीरपुर के साथ लगते गांव बुजुरी में 26 साल की युवती ने घर के अंदर पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन मायके वालों ने आरोप लगाया है कि युवती को सास ससुर प्रताड़ित करते थे और इस कारण युवती की मौत पर संशय बना हुआ है। लड़की के मायके वालों का कहना है कि लड़की के आरोपी अभी तक खुलेआम घूम रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि आरोपियों को जल्द से जल्द हिरासत में लिया जाए। बता दें कि चंबो से युवती शिवानी की शादी बजूरी गांव में दिसंबर माह में हुई थी और मायके वालों ने आरोप लगाया कि दहेज के लिए मांग की जाती थी और इसी के चलते लड़की ने इस तरह मौत को गले लगाया कि पुलिस थाना में आए हुए मायके वालों का कहना है कि पहले ससुराल वालों ने फोन पर बताया कि लड़की को अटैक पड़ा है और बाद में बताया कि लड़की ने फंदा लगा लिया है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि लड़की ने फंदा क्यों लगाया है, इसका जवाब चाहिए। उन्होंने बताया कि लड़की को दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। चंबो पंचायत के उप प्रधान केहर सिंह का कहना है कि शिवानी की मौत के आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, उन्हें जल्द हिरासत में लिया जाए और कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि मामले की सुनवाई नहीं होती है तो इस पूरे मामले की जांच महिला आयोग व सीबीआई के द्वारा करवाई जाएगी। मिलने थे आए थे लेकिन एसपी साहब आज ना होने के कारण हम डीएसपी से मिले, क्योंकि जो शिवानी नाम की लड़की चमो से उसकी शादी बजूरी में हुई है तो 3 तारीख को उसकी डेथ हुई थी, लेकिन आज तक उसके जो आरोपी हैं उनको अरेस्ट ना किया गया। तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि आरोपियों को जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और इंसाफ मिलना चाहिए। गरीब घर की लड़की थी और इन्होंने बहुत अन्याय किया। क्या रिस्पांस मिला है आपको, क्या बोला दी? हमें रिस्पांस मिला, डीएसपी साहब ने बोला कि आज ही इनको अरेस्ट करो और करते हैं या नहीं करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो बोला मेरे को फिर फोन पर्सनल फ़ोन नंबर दिया। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई नहीं है, बोलते हैं आ गई है हॉस्पिटल में, पहले योग में और उसके बाद सीबीआई के पास।